नमस्कार, बिहार सुबह समाचार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज काफी खास दिन है क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और दिखा रहे हैं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। पूरे कमेंट में आप हैप्पी बर्थडे जरूर लिखिएगा। इसके साथ साथ बताएंगे कि कैसे नीतीश कुमार को राष्ट्रपति कुर्सी ऑफर किया जा रहा है और नीतीश कुमार क्या राष्ट्रपति बनेंगे, क्या है बड़ी खबर, आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे। इसके साथ साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे, गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया। जी हां, राजधानी समेत तमाम पर प्रचंड गर्मी के पड़ने से लोगों की हालत काफी खराब होती हुई नजर आई। इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट जारी, अब 15 तारीख के बाद किए जा सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। साथ ही साथ बात करेंगे, भाजपा के खिलाफ बागी विधायकों ने आज वोट किया, विधान परिषद के अंदर आज वोट करते हुए भाजपा के खिलाफ नजर आए तमाम भाजपा के ही अपने विधायक। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे, कैसे बिहार में पुलिस तबादले को लेकर के एक बार नया सिरे से तैयार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर यह देखा जाता था, लेकिन अब बिहार के अंदर काफी बड़े पैमाने पर पुलिस तबादला। इसके साथ बात करेंगे, कैसे एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आए और साथ ही साथ जहां धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लग गया है। इसके साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आने वाली बड़ी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसके साथ साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार में बात करेंगे कि कैसे बंगाल के बंटवारे पर बोलती हुई नजर आई। आज ममता बनर्जी कहा कि बंगाल का बंटवारा अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। आरसीपी सिंह के घर छीने जाने और टिकट ना दिए जाने के बाद में सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गलत अफवाहों पर रोक लगाने के लिए आज उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान जारी किया है। छोटी बड़ी सभी खबरों को विस्तार से देखेंगे, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे 7 से 8 ऐसे बैंक जो कि प्रभावित हुए हैं। इन बैंकों की ईएमआई, आपको बता दें कि ईएमआई और समेत तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। बैंकों के ब्याज दर महंगे होने से लोगों पर खासा प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन के बाद में खासा कमर टूटे हुए लोगों को इस बार और परेशानियाँ हो रही है। जी, आर्थिक रूप से कमजोर हुए लोग अब ईएमआई और साथ ही साथ लोन के ब्याज दरों के अंदर हो रही बढ़ोतरी से काफी खासा नाराज हैं। सरकार से इस बात की अपील की गई कि फिर से फिलहाल ये सब कुछ जो है वो कंट्रोल में रखा जाए, लेकिन सरकारों ने इसके ऊपर एक ना सुनी और ब्याज दरों की बढ़ोतरी उचित कर दी। आज ब्याज दरों की बढ़ोतरी के साथ साथ लोगों की खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप इसे कैसे लेते हैं कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सरकार का एक गलत कदम है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक गलत कदम है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। बात करेंगे आज की बड़ी खबर में, नीतीश कुमार को एक बार फिर से जहां राष्ट्रपति कुर्सी ऑफर की जाने लगी है। जहां राष्ट्रपति चुनाव के बाद में अब नीतीश कुमार का चर्चा तेज हो गया है। बताया जाता है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के तमाम नेताओं का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने के लिए उतारा गया है। मैदान में उतारे जाने के साथ साथ राष्ट्रपति बनाने के लिए सभी विधायक समेत तमाम लोग वोट करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को क्या ये समर्थन मिलने वाला है? क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रपति के चुनाव में उतरने वाले हैं? और इसके साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने को लेकर के अपील कर दी है, जिससे नीतीश कुमार जो है वो राष्ट्रपति के तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक संवैधानिक पद और नीतीश कुमार को ऑफर किए जाना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या नीतीश कुमार सच में जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी और ये जल्दबाजी में फैसला लेना भी नीतीश कुमार को उचित नहीं होगा। फिलहाल वो सीएम की कुर्सी पर ही रहेंगे। एक बड़ी खबर, आरसीपी सिंह को जब टिकट नहीं तो जेडीयू के तमाम सोशल साइट्स और फेसबुक यूट्यूब समेत तमाम ऐसे जगहों पर गलत न्यूजों को फैलाया जाने लगा, जिससे आरसीपी सिंह को हताहत की तस्वीरें सामने आई। इसके साथ साथ आरसीपी सिंह के सामने कई ऐसे प्रस्तावों को रखा गया। लेकिन दोस्तों, क्या है बड़ी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं और आरसीपी सिंह की मुश्किलें कैसे बढ़ाई जाने लगी है ये भी आपको बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक जारी अपडेट
अनुसार यह आश्वासन दिया कि लोगों के द्वारा किया जाने वाला ये काम काफ़ी सख्त और गलत है। अगर जिस तरीके से हमें सोशल साइट्स पर जेडीयू को गलत तरीकों से पेश किया जा रहा है, ऐसे नहीं देखा जा सकता। पार्टी इस पर उचित कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पूरा ठोस से ठोस कदम उठा सकती है। तो इन बयानों को आरसीपी सिंह के खिलाफ देखा जा रहा है और आरसीपी सिंह जो है वो लगातार ऐसी चीज़ों को लेकर के कई बार देखे जा चुके हैं। तो आरसीपी सिंह पर शिकंजा कसने के लिए जेडीयू के तमाम वो नेता सामने आए और तमाम नेताओं ने सरकार पर महत्वपूर्ण कदम से ठोस कदम उठाने की बात की। आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बढ़ रहे क्राइम स्तर को देखते हुए नीतीश कुमार ने आज बड़ा बैठक किया है। क्या है बड़ी खबर, आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप ये मानते हैं कि बिहार में क्राइम स्तर आए दिन लगातार बढ़ने लगी है, जगह जगह पर हत्याएं, घुसखोरी, बेईमानी, ये तमाम चीज़ें बढ़ने लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर आप अपना समर्थन दर्ज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बिहार में दोस्तों क्राइम स्तर के बढ़ते रिपोर्ट को देखते हुए एक बार फिर से सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले इस कदम को लेकर बड़ी चीज़ें सामने आ रही है। बिहार की राजधानी पटना में अगर संपूर्ण शराबबंदी कानून को अनफॉलो करते हुए कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़े दिल का नेता शराब पीता हुआ नजर आता है तो इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करने की नीतीश कुमार ने दिशा निर्देश दे दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इन लोगों पर ठोस कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को कोई मायनों में नहीं बख्शा जा सकता, इसलिए इन लोगों पर दया दृष्टि ना दिखाया जाए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, बिहार में पुलिस प्रशासन के तबादले को लेकर के खबर है। दो हफ्तों के अंदर बिहार के पुलिस प्रशासन के एक बड़े अधिकारियों समेत छोटे दल का आपको बता दें कि छोटे अधिकारियों का भी तबादला किया जा सकता है। खबरें ऐसी हैं कि बिहार में तबादले को लेकर के तस्वीरें और कुछ साफ होने लगी है। बिहार में तबादला होने वाला है और यह तबादले अलग अलग थानों के थानेदार समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का भी हो सकता है। इसके साथ रही बड़ी खबर के अनुसार संपूर्ण शराबबंदी कानून को सख्त और साथ ही साथ इसके साथ अपराधी की सभी चीजों पर फोकस बनाए रखने की नीतीश कुमार ने बड़ी अपील की है। नीतीश कुमार ने इस बात का अपील किया है कि कनेक्शन किसी प्रकार से किसी ऐसे लोगों से ना रहे, सामाजिक तत्वों से ना रहे, इसकी खासा नजर बनानी है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी थानों का निरीक्षण किया जाए और गलत पाए जाने पर थानेदार पर कार्रवाई किया जाए और साथ ही साथ वहां पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तो यह तमाम बड़े अधिकारियों पर ठोस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और समझा। राजस्थान में समीकरण बिगाड़ने के लिए और समीकरण को अपने साथ विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में लाने के लिए एक के बाद एक कदम को उठाए गए, लेकिन इसके साथ साथ आज जिया भारतीय जनता पार्टी के ही तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा करके वोट किया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा करके वोट किया है और यह खबर ऐसी है जो आपको चौंका सकती है। बिहार में ऐसी खबरें अक्सर आती रहती है कि किस तरीके से अपना राजस्थान से ऐसी खबरें आती रहती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और अपदादी की कांग्रेस का आमना सामना हो रहा है। इस दौरान एक बेहद बड़ी खबर आई जो लोगों को काफ़ी चौंका कर रख दी और यह खबर थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का जिया सचिन पायलट और साथ ही साथ तमाम नेताओं से आकर्षित होकर के उधर के साइड जा करके उनका वोट करना, ये किसी को लाज नहीं आया और ये साफ साफ शब्दों में कहें तो ऐसे चीज़ों को लेकर के खबरें अक्सर आती रही है राजस्थान से। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर के। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो फिर से जी हाँ आपको बता दें कि आज नजर आएंगे, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन है और इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव 75 साल के जहां पूरे हो जाएंगे, वहीं राजद दफ्तर को नए तरीकों से फूल माला और ग्रीन रंग की लाइटों से सजा दिया गया है। एक पुस्तकालय का भी उद्घाटन लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से करने वाले हैं। इस पुस्तकालय के साथ साथ लालू प्रसाद यादव की राजद दफ्तर से जुड़ी हुई यादों को और सजोने और सजा करके विकसित करने की बात भी कही गई है। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार को गरीबों को बोलने का अधिकार दिया। वही लालू प्रसाद यादव जो है आज फिर से नजर आए और लालू प्रसाद यादव ने साफ शब्दों में कहें तो लालू प्रसाद यादव का महत्वपूर्ण चीजें अब आपको बता दें कि सजोया जाने वाला है और राजद दफ्तर के अंदर सजा करके बेहतर से बेहतर और बना करके लोगों को पेश किया जाएगा। तो आज 75 यादव पटना में मौजूद रहेंगे।
बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त। आपको बता दें कि बीएससीबी बोर्ड के परिणाम आने के बाद में सबकी निगाहें सीबीएसई और उत्तर प्रदेश की बोर्ड पर होती है, क्योंकि पूरे देश भर के अधिकतम बच्चे जो है वो सीबीएसई और उसके साथ साथ यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के अंदर पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चों के परिणाम का इंतजार अक्सर होता है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार बोर्ड बहुत पहले अपने परिणामों का रिजल्ट जारी कर चुका है और देश का वो नंबर वन बोर्ड बन चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की 15 जून 2022 के बाद में कभी भी परिणाम की घोषणा की जा सकती है। मिले सूत्रों के अनुसार खबर की जानकारी मिल रही है कि अब बीएससीबी बोर्ड के बाद में उत्तर प्रदेश दूसरा बोर्ड होगा जो परिणामों को घोषित कर लोगों को एक बहुत बड़ा झटका देगा और इसे भी ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि अगले बार से प्रथम जो है रिजल्ट यूपी बोर्ड का आए बच्चों के लिए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, गर्मी ने एक और नया रिकॉर्ड बना रखा है। गर्मी के बढ़ते रिकॉर्ड से लोग परेशान हैं और खासा परेशानियां जी हां तमाम उन सिटियों में हो रही है जहां पोल्यूशन है, जैसे कि बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली, इसके साथ साथ तमाम अनेक प्रदेशों के अंदर जहां पोल्यूशन का मामला सामने आ रहा है। इन जगहों पर लोगों को खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां पर गर्मी का टेम्परेचर बड़ा हाई हो चला है और इससे बचने के लिए लोगों को तरह तरह की चीज़ों को अपनाना पड़ रहा है। कई जगहों पर हीट वेव से जान जाने की भी खबरें आई, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर के अंदर भी हीट वेव से मजदूरों की जान तक चली गई है। तो ये बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से राहत उस वक्त मिलेगी जब मानसून समय के साथ साथ तेज हवाओं के साथ एक बेहतर से बेहतर लोगों को सुकून सा हवा दे सके। लेकिन फिलहाल ऐसी तस्वीरें कुछ वक्त तक मौसम विभाग मानता है कि नहीं आ सकती है। जून के आखिरी हफ्तों तक बरसात का नजारा सबको देखने को मिल सकता है और सुकून से लोग जी सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, इंडियन रेलवे ने एक और बड़ा तोहफा दिया है, जहां इंडियन रेलवे अपने आप को अपडेट कर रहा है। एक बार आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने महज एक महीने के भीतर कई बड़े अपडेट को किया, जैसे जनरल बोगियों को चालू करना, अनारक्षित टिकटों को करना, आरक्षित टिकटों को करना। इसके साथ साथ इंडियन रेलवे अपने स्पेशल ट्रेनों को बदल करके उसे कुछ और नामों को दे रहा है। तो इंडियन रेलवे की क्या है एक और बड़ी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं। इंडियन रेलवे के लिए अब आपको बता दें कि ज़्यादा किराया देना होगा, अगर आप ज़्यादा सामान लेकर के जाते हैं तो पोस्ट कार्ड करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर के अनुसार IRCTC यानी इंडियन रेलवे की सोशल साइट्स पर आप अनारक्षित टिकटों को भी बुक कर सकते हैं, आरक्षित टिकटों को भी बुक कर सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है, यानी टिकटों को बुक करने के लिए, जिन टिकटों को बुक करने के लिए काउंटर का चक्कर लगाना पड़ता था, अब इसे आप ऑनलाइन भी बड़े ही आसानी के साथ बुक कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करते हुए लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक लंबा अरसा हो गया है। लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया। एक के बाद एक आज सरकार ने आपको बता दी कि 9-10 दिन तक बीत जाने के बाद भी आज सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि दोस्तों बस सरकार भी परेशान है और इधर पुलिस प्रशासन की परेशानियाँ बढ़ गई है, दबाव बढ़ गया है और शूटर की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर आवाज़ उठने तेज हो गए हैं, तो ये परेशानियाँ और बढ़ा रही है। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। बने आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।